आज अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको किन्नरों से जुड़े हर उन सवालों का जवाब देंगे जो कभी उन्हें देखने के बाद आपके जहन में आए होंगे। शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि कोई भी शिशु कोख में किन्नर कैसे बन जाता है, कैसे उसमें महिला और पुरुष दोनों के गुण आ जाते हैं। अगर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो विज्ञान के हिसाब से गर्भवती महिला के लिए पहले 3 महीने काफी नाजुक होते हैं। अगर इन 3 महीनों में कोई भी गर्भवती महिला किसी दवाई की हैवी डोज ले ले या फिर कोई गलत दवाई खा ले या उसके शरीर में कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाए या उस महिला के साथ कोई हादसा हो जाए तो ऐसे में शिशु के किन्नर बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी गर्भवती महिला के लिए गर्भावस्था के पहले 3 महीने काफी ज्यादा नाजुक होते हैं। इन 3 महीनों में किसी भी गर्भवती महिला का खास ख्याल रखा जाता है। अब अगर आध्यात्मिक पहलू की बात की जाए तो इसका जवाब गरुड़ पुराण से मिलता है। जी हाँ, गरुड़ पुराण में ये लिखा गया है कि किस पाप के बाद किसी इंसान को किन्नर की योनि भुगतनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई भी महिला के बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है तो फिर उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है। ये थी किन्नरों के जन्म से जुड़ी कहानी। अब बात करते हैं किन्नरों से जुड़े अन्य रहस्यों की। कोई भी बच्चा किन्नर पैदा होता है तो किन्नर समाज खुद उस बच्चे का लालन पालन करता है। किन्नर समाज में किसी भी नए सदस्य का स्वागत बेहद शोर शराबे धूम धड़ाके से किया जाता है। बेहद बड़ा समारोह होता है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी की शादी हो। इसके बाद वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे किन्नरों से जुड़ी परंपराओं से जुड़ जाता है। इनसे जुड़ी एक परंपरा ये है कि ये हर खुशी में शरीक होते हैं और वहाँ पर नाच गाकर शगुन लेते हैं। इसके पीछे भी पौराणिक कहानी है। ये कहानी वाल्मीकि रामायण में लिखी गई है। वाल्मीकि रामायण में ये लिखा गया है कि जब श्री राम वनवास के लिए जा रहे थे तब अयोध्या की प्रजा और सभी किन्नर राम के पीछे पीछे चले गए। तब राम उन्हें वापस लौट जाने को कहकर वनवास की ओर चले गए। और फिर जब राम वनवास से वापस लौटे तो वहाँ पर उनकी प्रजा तो नहीं थी लेकिन किन्नर वहाँ पर खड़े राम का इंतजार करते रहे। जी हाँ, 14 साल तक किन्नरों ने राम का इंतजार किया। उनकी भक्ति और श्रद्धा से खुश होकर प्रभु श्री राम ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई दुआ कभी भी खाली नहीं जाएगी, तुम्हें हर खुशी में शरीक किया जाएगा और तुम जिसे भी आशीर्वाद दोगी उस पर वो आशीर्वाद असर जरूर करेगा। तभी से ही किन्नरों को हर खुशी में आमंत्रित किया जाता है। वहीं हर किन्नर का कोई न कोई गुरु जरूर होता है। किन्नर समाज में जिसे गुरु बनाया जाता है उसे बाकी के किन्नरों की सभी जानकारी होती है। इतना ही नहीं, कहते हैं कि किन्नरों के गुरु को ये भी पता होता है कि किस किन्नर की मृत्यु कब होने वाली है। लेकिन किन्नरों की मृत्यु से पहले हम बात करेंगे किन्नरों की शादी की। क्या किन्नरों की शादी होती है? इसका जवाब है हाँ, किन्नरों की शादी होती है। किन्नरों की शादी अपने ही देव आरावन से होती है। इस शादी से जुड़ी कहानी महाभारत में लिखी गई है। महाभारत में बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण ने आरावन से स्त्री का रूप लेकर एक दिन के लिए शादी की थी। तभी से ही किन्नर भी आरावन देव से एक दिन के लिए शादी करते हैं। असल में ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक बार अर्जुन को द्रौपदी से शादी की शर्त का उल्लंघन करने के लिए इंद्रप्रस्थ से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, जिसके बाद अर्जुन दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में अर्जुन की मुलाकात एक नाग राजकुमारी से हुई। वो नाग राजकुमारी अर्जुन को पहली ही नजर में दिल दे बैठी थी और अर्जुन को भी उस नाग राजकुमारी से प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली और दोनों का एक बेटा हुआ। यही बेटा असल में अरावन देव है। जब अरावन देव बड़े हुए तब वो अपने पिता अर्जुन से मिलने पहुँचे और उस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था। उस वक्त पांडवों को अपनी जीत के लिए माँ काली को एक राजकुमार की बलि देनी थी। कोई भी राजकुमार बलि देने के लिए तैयार नहीं हुआ लेकिन अरावन देव ने कहा कि मैं बलि देने को तैयार हूँ लेकिन मेरी शर्त ये है कि मैं कुवारा नहीं मरूंगा, मैं विवाहित मरूंगा। इसके बाद एक और समस्या खड़ी हो गई।
क्योंकि कोई भी अपनी बेटी की अरावन देव से शादी नहीं करवाना चाहता था। हर कोई जानता था कि अगले दिन अरावन देव की बलि दे दी जाएगी, लिहाजा भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री रूप लिया और अरावन देव से एक दिन के लिए शादी की। उसी के बाद से किन्नर भी अरावन देव से एक दिन के लिए शादी करते हैं और शादी के अगले दिन वो ये मानते हैं कि अरावन देव की मृत्यु हो गई है और शादी के दूसरे दिन किन्नर विलाप करते हैं। इसके बाद किन्नरों की सामान्य जिंदगी शुरू हो जाती है। अब आते हैं किन्नरों की मृत्यु पर। किन्नरों को अपने जीवन में कई दुख तो भोगने पड़ते ही हैं, लेकिन मृत्यु के बाद भी किन्नरों की अंतिम रस्में बेहद दर्दनाक होती हैं। दरअसल किन्नर समाज ये मानता है कि अगर कोई भी मनुष्य किसी किन्नर की अंतिम क्रियाएं देख ले तो वो अगले जन्म में भी किन्नर ही बनता है। इसीलिए किसी भी मृत किन्नर की अंतिम रस्में रात के अंधेरे में की जाती है। अंतिम संस्कार से पहले मृत किन्नर के बाल खींचे जाते हैं, उसे जूते मारे जाते हैं ताकि वो अगले जन्म में किन्नर ना पैदा हो। अंतिम संस्कार के बाद सभी किन्नर मिलकर अपने देव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे देव, अगले जन्म में हमें किन्नर का जन्म देकर फिर से हमारी जिंदगी को नर्क मत कीजिएगा। और फिर मृत्यु के बाद किन्नर जश्न मनाते हैं। मृत्यु के बाद जश्न इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनके समाज से कोई एक किन्नर नर्क रूपी इस जिंदगी से आजाद हो जाता है। इसीलिए तमाम किन्नर उसके लिए खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं। कुछ ऐसी ही होती है किन्नरों की जिंदगी। किन्नरों की जिंदगी के और भी कई रहस्य हैं। सबसे पहला किन्नर राजा इल थे और ये कहानी भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी हुई है। इस कहानी का खुलासा हम अपनी अगली रिपोर्ट में करेंगे। अगली रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि पहले किन्नर की कहानी क्या थी, साथ ही साथ किन्नरों के कई अन्य अजीबोगरीब रहस्यों के बारे में भी आपको बताएंगे। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। कथा सागर की पूरी टीम सदैव आपके सुखद जीवन की कामना करती है। कथा सागर डेस्क रिपोर्ट। हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।